हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ आप कोडिंग के लिए कर सकते हो। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा और सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, मैं इसी को यूज़ करता हूं। तो उस टेक्स्ट एडिटर का नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। कैसे डाउनलोड करना है आपको इसको, क्रोम ब्राउज़र में जाना है अपने और वहाँ पर सर्च कर देना है सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई भी आपके पास विंडो है, आपके पास लिनक्स इंस्टॉल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से विंडो 64 बिट से यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड पहले से ही करके रखा है। तो ये इसका इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। ये आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, इसमें आप कोडिंग कर सकते हो। न्यू फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना होता है। HTML की कोडिंग को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेव करना पड़ता है। तो फाइल में जाना होता है, सेव एज पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे किसी भी आप यहाँ पे लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हो और लास्ट में .html एक्सटेंशन लगा के आप इसका कोड यहाँ पे HTML का कोई भी कोड यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। HTML के साथ साथ आप इसमें एंगुलर में भी वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, आप किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हो। जैसे कि फाइल पे क्लिक करूँगा मैं, ओपन फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद आप किसी भी यहाँ पे फोल्डर को ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट नाम से। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया है और ये माई ऐप नाम के, इस तरीके से आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। आप इसमें एंगुलर जो आपका जावास्क्रिप्ट को होता है उस फ्रेमवर्क में भी वर्क कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है, सिंपल इंटरफेस है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है तो आप आसानी से यहाँ से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसकी क्लैरिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और साथ साथ मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहता हूँ कि आप इस टेक्स्ट एडिटर में सी का कोड भी रन कर सकते हो। जी हाँ, सी का कोड रन कर सकते हो, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लिए नहीं, आई होप आपको ये टेक्स्ट एडिटर अच्छा लगा होगा, इसको ट्राई करके देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।